टू एग्जाम 24 आज है 26 मार्च 2019, और 26 मार्च 2019 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में फिल्म फेयर पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए है रणबीर कपूर, ऑप्शन बी है रणवीर सिंह, ऑप्शन सी है सलमान खान, ऑप्शन डी है विक्की कौशल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रणबीर कपूर। हाल ही में फिल्म फेयर पुरस्कार 2019 संजू फिल्म के लिए रणबीर कपूर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको मिला है? आलिया भट्ट को, आलिया भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन टू, जेट एयरवेज के संस्थापक और चेयरमैन का नाम क्या है जिन्होंने हाल ही में पद से इस्तीफा दिया है? ऑप्शन ए है देवेंद्र पठानिया, ऑप्शन बी है अमित बर्मन, ऑप्शन सी है सिद्धार्थ राय, ऑप्शन डी है नरेश गोयल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नरेश गोयल। नरेश गोयल व इनकी पत्नी अनीता गोयल ने हाल ही में जेट एयरवेज के, अनीता गोयल जेट एयरवेज के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस दिन पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय नस्ली भेदभाव उन्मूलन दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 21 मार्च, ऑप्शन बी है 22 मार्च, ऑप्शन सी है 23 मार्च, ऑप्शन डी है 24 मार्च। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, 21 मार्च को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय नस्ली भेदभाव उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन फोर, हाल ही में कौन सा खिलाड़ी गौतम गंभीर को पछाड़कर सर्वाधिक अर्धशतक लगाने वाला खिलाड़ी बना है? ऑप्शन ए है डेविड वार्नर, ऑप्शन बी है विराट कोहली, ऑप्शन सी है ऋषभ पंत, ऑप्शन डी है डेविड मूलर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, डेविड वार्नर, जो सनराइज हैदराबाद के ओपनर डेविड वार्नर आईपीएल में 37 अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं। 53 गेंदों में 85 रन कोलकाता नाइट राइडर के खिलाफ बनाए थे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन फाइव, संघाई सहयोग संगठन के देशों का आतंकवाद विरोधी संयुक्त अभ्यास किस नाम से आयोजित किया जा रहा है जिसमें भारत पाक भी भाग लेंगे? ऑप्शन ए है सैरी अरका एंटी टेरर, ऑप्शन बी है जिब्रा एंटी टेरर, ऑप्शन सी है कोबरा डलास एंटी टेरर, ऑप्शन डी है हारकोस मिलान एंटी टेरर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, सैरी अरका एंटी टेरर। इसकी 34वीं बैठक कजाकिस्तान में हुई है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन सिक्स, विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2019 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? ऑप्शन ए है 76वें, ऑप्शन बी है 67वें, ऑप्शन सी है 78वें, ऑप्शन डी है 81वें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 76वें स्थान पर वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2019 में 76वें स्थान पर भारत का स्थान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन सेवन, 25 मार्च 2019 को चार चिनूक भारी लिफ्ट हेलीकॉप्टरों का पहला सेट भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। भारत ने किस देश से हेलीकॉप्टर खरीदी थी? तो इसका ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन ए यूएस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी रसिया, ऑप्शन डी चाइना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यूएस, यूनाइटेड स्टेट से भारत ने ये खरीदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन एट, किस चुनाव आयोग ने राज्य में दिव्यांग मतदाताओं के लिए पीडब्ल्यूडी ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र सरकार ने पीडब्ल्यूडी ऐप लॉन्च किया है दिव्यांग मतदाताओं के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नाइन, जनवरी 2019 में किस भारतीय एयरलाइन ने खुद को $1 बिलियन से अधिक के बैंक भुगतान के डिफाल्टर के रूप में मान्यता दी है?
ऑप्शन ए है स्पाइस जेट, ऑप्शन बी है इंडिगो, ऑप्शन सी है गोयर, ऑप्शन डी है जेट एयरवेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जेट एयरवेज। इसके चेयरमैन हैं, इसके चेयरमैन चेयरमैन नरेश गोयल, इसके चेयरमैन नरेश गोयल, जिन्होंने हाल ही में अभी इस्तीफा दे दिया है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लाइन साइन अप करने वाला पहला राष्ट्र कौन सा देश बन गया है? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जर्मनी। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पहला राष्ट्र बन गया है चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए साइन अप करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 11, किस देश के अनुप्रयोग मिशन प्रिज्म सैटेलाइट के हाइपर स्पेक्ट्रल प्रिसूर को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है इटली, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन डी है रसिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, इटली ने अभी हाल ही में प्रिसूर को लॉन्च किया है। ओके फ्रेंड्स, ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एग्जाम 24, और बगल की बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, और शेयर और लाइक करना ना भूलें।